अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अमल व्लॉग। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कीमा आलू की रेसिपी। ये देखिए, मेरे पास कीमा है 1/2 kg। इसको मैंने वॉश करके ये स्ट्रेन कर लिया है, इसका ड्रेन कर लिया। और ये है मेरे पास ऑनियन 3 छोटे मीडियम, और ये मेरे पास आलू है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्टॉक ऑन करती हूँ। वेवेज ऑयल मैं इसमें ऐड करती हूँ, ये देखें। बिस्मिल्लाह, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा व्यूवर्स, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। और ये देखिए, मैंने जो ये ऑनियन लिए हैं, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये इसको मैं नमक लगा के रख रही हूँ, कि मैं हमेशा लगाती हूँ और फिर बाद में इसको वॉश कर लेती हूँ जब तक हमारी दूसरी वो कुकिंग रेडी होती है, क्योंकि आलू समटाइम जो है ना वो जायके में खाने में अच्छे नहीं निकलते, उसमें मीठा मीठा जायका आता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और इनको ज़रा नमक लगा के रख दें, ये भी एक ट्रिक है, तो आपकी जो सब्जी है, सब्जी में ऐड करें जिस भी कुकिंग में, तो आलू का जायका आपका अच्छा आएगा। ये देखिए बस, ये मैं इसको प्याज को हल्का से ब्राउन करूँगी और इसमें फिर कीमे को भूनूंगी, और उसके बाद मैं जिंजर और गार्लिक शामिल करूँगी। और ये इस तरीके से आप रेसिपी बनाएं, कुकिंग करें, तो ये बहुत ही मज़ेदार आपका कीमा बनता है, उसमें कोई स्मेल कुछ भी नहीं आता। और लंदन में स्पेशली जब आप खाना वगैरह बनाते हैं, कीमा अगर अक्सर घरों में खाया है, तो वो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि वो जो है ना, अगर मेरे तरीके से आप बनाएंगे, ये इसको हल्का ब्राउन करके प्याज में पहले उसको भुनेंगे, तो फिर जो है ना कीमे में स्मेल नहीं आएगी। देखिए व्यूवर्स, ये हमारा प्याज लाइट सा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें कीमा डाल के भूनूंगी। ये देखिए, इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी शामिल करनी है और टमाटर भी, लेकिन मैं अभी नहीं, पहले मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। और कीमे को इसमें जो हल्का सा फ्राई हो गया हमारा ऑनियन, इसमें हम इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह, व्यूवर्स, कीमा आलू हो और साथ में इसकी धनिया और पुदीने की चटनी हरी मिर्चें डाल के, ओहो क्या ही मज़ेदार खाना तैयार होता है। ये देखें, हम इसमें भूनूंगी और इसकी सारी स्मेल, आप इस तरीके से आप कुकिंग करें, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इस तरीके से आपको ज़रा भी स्मेल इसमें कीमे में नहीं आएगी। और जो भी आपके हाथ का पका हुआ खाएगा, वो आश्चर्य कर उठेगा कि क्या ज़बरदस्त चीज़ खाई है। अब इसमें मैं कुछ शामिल नहीं कर रही, सिर्फ इसको मैं प्याज में हल्का सा, जो मेरा हल्का सा ब्राउन हुआ था प्याज, प्याज को भी मैंने ज़्यादा नहीं ब्राउन किया था, आपको मैं इसकी शक्ल दिखा सकती हूँ, ये इस तरह की है। और इसमें अब मैंने कीमा भुनूंगी, और उसके बाद जो है ना, थोड़ी देर में भुनने के बाद लहसुन अदरक शामिल करूँगी, इसकी जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और अगर और अच्छा करना है, तो आप इसमें थोड़ा साथ में भूनते हुए ज़ीरा भी डाल सकते हैं, तो ज़ीरा मैं इतने अमाउंट में ले रही हूँ। ये
जीरे की जो स्मेल में ये भुनेगा, ओ हो क्या ही जबरदस्त कीमा आलू तैयार होने वाले हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया हमें इसे प्याज में भुनते हुए, इसने अपना पानी भी इस तरह छोड़ा है। अब इसमें मैं जिंजर और गार्लिक की पेस्ट जो है ना ये मैं शामिल करने लगी हूँ ताकि ये भी साथ साथ इसके मिक्स हो। लेकिन मेरी रेसिपी का यही सीक्रेट है कि इसको पहले आपने प्याज में ही भुनना है, अदरवाइज इसमें से स्मेल नहीं जाएगी। अगर आप लहसुन अदरक इकट्ठा शामिल करते हैं तो ये फिर इस कुकिंग का राज ये है कि आप जो है ना प्याज में इसको भुनें और लहसुन अदरक बाद में शामिल करें। और व्यूवर्स अभी थोड़ा सा मैं इसको भुनूंगी, उसके बाद मैं टमाटर शामिल करूंगी और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने शामिल काट दी है और फिर मैं अपने स्पाइस डालूंगी। मैं आपको अपने स्पाइस दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा। ये है नमक, ये है दड़पड़ मिर्चें, ये सूखा धनिया, ये है मेथी सूखी, ये है हल्दी और ये है लाल मिर्च। और ये मैंने अपनी जितने मेरा कुकिंग मैं निकाल रही हूँ उसके हिसाब से मैंने लिया है। आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं चीज़ें, फिर ज़ाहिर अगर आप किलो कीमा लेते हैं तो फिर उस हिसाब से इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा पड़ेंगे, और मेरा हाफ के जी है तो मैंने उस हिसाब से ये इतनी क्वान्टिटी में लिया है। तो अभी मैं ये देखती हूँ इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी लहसुन अदरक में, उसके बाद टमाटर शामिल करके इसको दम लगा देंगे और स्पाइस, और उसके बाद हम भून के इसमें आलू शामिल करके आलुओं को भी थोड़ा सा भून के दम लगा देंगे। इसमें अभी पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कीमा आलू तैयार होने वाला है। व्यूवर्स मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आज लगता है जैसे पाकिस्तान से भी बढ़ के यहाँ पे गर्मी हो रही है। इतना ये पूरा वीक हो चला है कि इतनी सख्त गर्मी है और प्यास भी लग रही है बार बार, तो जो है ना लेकिन क्या करें, आज फिर भी हम वेदर इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि हर वक्त तो यहाँ पे सर्दी होती है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे गोरे तो वैसे ही बहुत इन्जॉय करते हैं, जब धूप निकले वो लोग तो बैठ जाते हैं धूप के आगे। बस एक आधा मिनट मैंने इसको अभी भुना है, तो इसमें मैं अब टमाटर ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, काफ़ी बड़े थे, तो इसमें टमाटर मैं साथ ही शामिल कर देती हूँ और साथ ही स्पाइस ताकि ये मीडियम कुक भी होते रहे और बुनते भी रहे मसाला। और ये जो मैंने स्पाइस आपको पहले बता चुकी हूँ तो ये मैंने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लिया है, आप भी अपने हसबे जायका बढ़ा और घटा सकते हैं। अब मसाले इसमें मैंने इसीलिए ऐड कर दिए कि साथ साथ हमारे टमाटर भी गल जाए और साथ ये सारा मसाला भी भुन जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी और जब टमाटर थोड़े से गल जाए फिर इसको मैं अच्छे से भूनूंगी और उसमें फिर आलू डाल के फिर भून के उसको दम लगा दूंगी। व्यूवर्स अब मैंने तुक मलंगा को भिगो के रखा है कि रूह अफजा जो है ना बनाएंगे, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है और गर्मी का मज़ा भी ले रहे हैं और गर्मी लग भी बहुत रही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है वेदर के गर्मी है लेकिन पसीना फिर भी नहीं आता यहाँ पे, ये मसला है। चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि कुकिंग कहाँ तक पहुँची है। टमाटर माशाल्लाह लगता है गल चुके हैं, देखिए माशाल्लाह, देखिए व्यूवर्स इसकी लुक। अभी इसको मैंने भुना भी नहीं है, ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ चुका है, लेकिन मैं अब जो टमाटर नज़र आ रहे हैं उनको हल्का सा ऐसे करके भुनूंगी और साथ ही आलू भी शामिल करके आलुओं को भी हम भून लेंगे, साथ साथ आलू भी भुनते जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है,
क्या ही मजेदार आलू कीमा तैयार, अभी तैयार हुआ नहीं है, देखिए इसकी शक्ल माशाल्लाह इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, और इसके साथ चटनी हो गरम गरम फुलके हो तो क्या ही मजा है, वाह बेवा। अभी मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको भूलूंगी और फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। देखिए व्यूवर्स 2 से 3 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए और इसकी स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी है। जब मैंने प्याज में ही भुना था उसी वक्त भी स्मेल नहीं आ रही थी, और ये तकरीबन हमारा सही भुन गया हुआ है लैम का कीमा। और अब मैं इसमें पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको दम लगाऊंगी ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत है, पानी काफ़ी है। और अब इसको मैं तकरीबन जब तक हमारे आलू गल जाते हैं अच्छे से मैं इसको दम लगा देती हूँ। ये व्यूअर्स अभी हम आपको फिर जब दम आ जाता है तो अपनी कुकिंग दिखाते हैं। चले व्यूअर्स देखते हैं कि हमारी हांडी कहाँ तक पहुँची है। दम आ चुका है कि माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया और आलू भी गल चुके हैं। देखें व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त हांडी है। अब इसको प्लेट में निकालती हूँ। आज का व्लॉग रेडी है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है और मेरी ये कीमा आलू की रेसिपी कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।